हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और आप इसे एज अ मेन कोर्स किसी भी ओकेजन पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके के एकदम छोटे साइज के बैंगन। अब सबसे पहले हम इन बैंगनों के डंठल आधे काट कर निकाल लेंगे। हमें बैंगनों के डंठल पूरे नहीं निकालने हैं, नहीं तो पकने के बाद ये यहीं से खुलने लगेंगे और साथ ही में हम बैंगन को इस तरीके से हाफ कट दे देंगे। इसी तरीके से सभी बैंगन कट कर लेंगे। बैंगन हमने काट कर तैयार कर लिए हैं और अब मसाला पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही में 6 से 7 लहसुन और 2 हरी मिर्च। मसालों में हम लेंगे सबसे पहले स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच किसा हुआ नारियल, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच मोटी सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच मेथी के दाने और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर में ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मसाला पेस्ट बनकर तैयार है और अब कढ़ाई में हम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाने पर हम इसमें ये मसाला पेस्ट ऐड कर देंगे। इस मसाला पेस्ट को अब हमें अच्छे से भूनना है। मसाला पेस्ट हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारा मिश्रण कढ़ाई न छोड़ने लगे और गैस की आंच हम मीडियम हाई रखेंगे। हमारे मिश्रण को हमें बीच बीच में चलाते रहना होगा, नहीं तो मसाला नीचे कढ़ाई में चिपकने लगेगा और इससे वो जल जाएगा। मसाला अब कढ़ाई छोड़ने लगा है और अब इस वक्त हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही मसाले को एक अच्छा क्रीमी टेक्सचर देगा और साथ ही में इसका टेस्ट भी बढ़ाएगा। और अब फिर से हम मसाले को चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि फिर से हमारा मसाला कढ़ाई न छोड़ने लगे और गैस की आंच हम मीडियम हाई रखेंगे। हमारा मसाला अब अच्छे से भुन चुका है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, तो अब हम गैस को सिम पर कर देंगे और हमारे सभी कटे हुए बैंगन इसमें एक एक कर छोड़ देंगे। थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि सभी बैंगन पे मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और ढक्कन रख के 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। गैस हमें सिम पर ही रखना है। पाँच मिनट हो गए हैं और अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारे बैंगन पके नहीं हैं। हम इसमें 1 और कप पानी डालेंगे क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है और फिर से ढक्कन लगाकर हम इसे 10 मिनट पकने देंगे। दस मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बैंगन बहुत अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इन्हें पूरा पकाने में हमें 15 मिनट का समय लगा है। और अब गरम मसाला भी डाल देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। गैस बंद कर देते हैं और हमारे भरवा बैंगन निकाल लेते हैं।
इसे फ्रेश हरी धनिया के साथ हम गार्निश करके गर्मा गर्म रोटी, पराठे या राइस के साथ सर्व करेंगे। तो ये थी आज की भरवा बैंगन रेसिपी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।